है, लगता है कि हाँ अब लोग के मुंह बंद करने वाला काम किए हैं। सब बहुत गंदे गंदे बात कहते थे, बहुत कुछ कहते थे, ये अपना नाचता है और बीवी को भी ये बात नचाता सच है। है। हम बारात लेके आए थे इनके घर पे। YouTube को पैदा करने वाला मिस्टर विकास बारूद है कि नागिन तो मिल गई थी और नागिन से हमने बात रख दिया कि चलिए शादी ब्याह हो जाए। नागिन नहीं है, नागिन गए थे हम लोग कॉफी शॉप में, दो चार तो मेरा अल्लू झल्लू दोस्त वगैरह भी थे, जिगरी यार सब, इनके साथ में भी दो चार आई थी, तो गए कॉफी शॉप में बैठे, बैठे पी के थोड़ा सा रख दिया। अरे हम इम्प्रेस करने के लिए हम वो भी पी लिए, मतलब इसका मतलब प्यार नहीं था आपको? प्यार एक तरफा था। फिर आपको क्या फील आया? तब आप जान नहीं रहे, नहीं जान रहे, पब्लिक को बताइए, हम जान रहे। उसके बाद जूठा पिए तो सोचे कि अब ये जो मेरा जूठा पी रहे हैं आगे तो मेरा बैग भी डूबेगा। नहीं आप आज तक तो ऐसा नहीं हो सकता है, भी सोच रहे होंगे कोई नहीं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी जूठा पीते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, चुनाव के बाद प्रचार सुने हैं, इलेक्शन के बाद कहाँ प्रचार होता है। इससे पहले किसी का जूठा पिए थे? लड़की का? लड़की का तो पिलाने वाली बहुत थी लेकिन पिए नहीं, जो पिलाने वाली तो बहुत थी। हालांकि इंटरव्यू देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे हम ही तो नहीं है। कोई ठीक है क्या? नहीं नहीं पिए होंगे महसूस, लेकिन मुस्कान से आप समझ जाइए कंफर्म तो पहले का बात कर रहे हैं। हाँ पहले कुंवर में पता न का किए हैं। अच्छा, दिल पे हाथ रखिए, हाथ रखिए, सही सही बताइए। ठीक ठीक ठीक, अभी तक में कितना गर्लफ्रेंड हुई है? देखिए लड़की की बात हो रहा है बाबू, लड़की के, लड़की के बारे में बताइए। दो बच्चे की माँ हो, चार बच्चे की माँ हो, दस बच्चे की माँ हो, बताइए। अच्छा मतलब कौ गो लड़की से बतियाए क्या हो? हाँ, बताइए कितना से बतियाए। देखिए आपके जरिए देखिए एविडेंस इकट्ठा कर रही है, ऐसा हो कि अच्छा आप ही बताइए, हम आपको कुछ कभी बोलते हैं मतलब बताइए। हर एक इंसान का एक दोस्त कमीना होता है, कुछ कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं कि दिल के करीब रहते, कोई कोई दोस्त ऐसे भी हैं कि दिल से बाहर रहते हैं। वो हमेशा हमारा बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही करते हैं। अभी भी इनकी एक दीदी खरूस दीदी, पूजा नाम है, खरूस दीदी, हाँ इनकी बड़ी दीदी एकदम खरूस चिड़चिड़ापन, हमरा से जल मतलब इतना जलती है हमसे, वो इतना जलती है। उस टाइम सोच रही थी हमसे एकरो से जलती है। अच्छा, हमसे क्या जलती है? हाँ तभी तो एकदम खरूस, वीडियो देख रहे होंगे हम हर एक देखते हैं। चाहिए। इतना खरूस है दीदी, ब्याह करवा दीजिए। दीदी के बारे में बता पहले, तो मम्मी के बारे में। मेरा दीदी के बारे में कुछ नहीं बोला करिए हमको गुस्सा। ठीक है ये नहीं बोलेंगे अब, लेकिन क्या बोलती थी दीदी? क्या कहती थी? कहती थी ब्याह नहीं होगा और कहा बात करते थे आप इससे? नहीं तब छोड़ दिए थे। कितना दिन कितना दिन बतियाएंगे? मेरा दीदी बोली तो नहीं बतिया रहे थे। कभी फोन करके रोए हैं आपके पास? बहुत रोते थे, झूठ का बोलेंगे? आपको दया नहीं लगता था? लगता कहीं दया कहाँ लगता है, खुश रहू झाड़ के चलबू है ये सब बात डायलॉग। ऐसा तो नहीं कि आप दोनों का प्यार चला, रिलेशनशिप हुआ, फिर ये छोड़ के भाग गया आपको तो बाराती लेके पहुंच गए? क्योंकि सवाल मन में ये भी उठेगा, चिट्ठी उठी भी पकड़े हैं? बक्सा भर के है। बक्सा भर के? आप चिट्ठी दिए थे कभी? नहीं हो मेरा नहीं, दूसरा कहा। नमस्कार प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। आज हमारे साथ बिहार के टॉप वायरल यूट्यूबर कहिए, ब्लॉगर कहिए, या आजकल फिल्मी दुनिया में अपना किस्मत आजमा रहे हैं वो कहिए, हमारे साथ है रूपतारा ब्लॉग से विकास जी। और रूपतारा जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, पहले भी आप लोगों ने कई वीडियो में मेरे साथ इनको देखा होगा, लेकिन आज जो वीडियो बनने जा रहा है वो इनके निजी जिंदगी पर बनने जा रहा है, जो हम पहली बार दिखा रहे हैं। कैसे ये लोग YouTube के दुनिया में आए, कैसे ये लोग अपना शादी रचाए और कैसे क्या हुआ, सारा जानकारी इस वीडियो में पूरे जिंदगी के बारे में आज मिलने वाला। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों कपल जोड़ी का। संस्कृति बिहार देखने वाले तमाम दर्शकों का मेरा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दोस्तों जितने आदमी देख रहे हैं वीडियो को आज स्किप नहीं करना है, हम आज ऐसे ऐसे बात इस वीडियो में रखेंगे जो आज तक आप लोगों को सुनने को नहीं मिला होगा, बने रहिए। तो विकास जी जरा कैमरा के तरफ दर्शकों को आप ये बताइए कि आपका जो ये शुरुआती समय रहा है, अभी तो आप जो है भोजपुरी एल्बम भी कर रहे हैं, दोनों मिल के कर रहे हैं, तो अभी का दौर और उस दौर में क्या अंतर है?
उस दौर में हम पागल थे दोस्तों, हम पागल थे और पागल के नाम से ही हमको जाना जाता था और लोग भी पहचानते थे पागल के नाम पे। अभी के टाइम पे लोग भैया, भाई, सर इस नाम से जानते हैं, सर बोलते हैं, हाँ ये भी कहते हैं, लेकिन इस चीज से हमको कभी भी गर्व फील नहीं होता है कि हमको लोग सर बोलते हैं। बस प्यार हमारा उसी तरीका से देते रहे लोग, यही हम चाहते, बहुत ज्यादा हम खुश रहते हैं इस चीज से। रूपतारा जी, आप जब कभी कहीं मार्केट जाती हैं, कहीं किसी भी जगह जाती हैं, लोगों का भीड़ उमड़ता है, लोग एक सेल्फी के लिए आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं कि कैसे मिले। रूपतारा जी आई है, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है पब्लिक के प्यार देख के, और बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ अब लोग के मुंह बंद करने वाला काम किए हैं। लोगों का मुंह बंद करने का आप बात कर रहे हैं, क्या मुंह बंद? पहले के लोग, पहले ये वो लोग कहते थे ना, इसी कारण। क्या कहते थे? बहुत कुछ कहते थे, ये अपना नाचता है और बीवी को भी नचाता है, ये लाया है वहां से लाया है, वहां से लाया है, सब बहुत गंदे गंदे बात कहते थे। अच्छा, एक कहानी और इसी बात पर याद आता है, और ऐसा भी कहा जाता है जो कैमरा के पीछे वाली जिंदगी आप लोगों की है, ब्लॉग बनाते हैं, कुछ चीज ऐसा होता है जो पर्सनल लाइफ है उसको नहीं दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विकास जी आपके यहाँ बाराती लेके नहीं गए थे, आप विकास जी के यहाँ बाराती? ये बात सच है, हम बारात लेके आए थे इनके घर पे, मतलब घर पे नहीं, मंदिर में आए थे, फिर घर पे आए थे, ये बात सच है, मंदिर में आए थे। तो एक लड़की बारात लेके आती है, कहाँ कहाँ आपका मायके है? मेरा मायके बहुत दूर है, छपरा जिला। छपरा जिला, और वहां से आप बारात लेके बिहार के एक छोटे से गांव में आती है, तो वो प्यार में पागल थे इसीलिए। आप भी प्यार में पागल थे? हाँ। तो एक कहानी भी आजकल बड़ा मशहूर है, जो पागल है घर से भागल है, क्या कहते हैं? देखिए, एक 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 होता है प्यार, प्यार जो होता है हम हमेशा इसको दो नजरिया से देखते हैं, जैसे बोल चाल में बोला जाता है प्यार को कि प्यार अंधा होता है ना, लेकिन दरअसल बात ऐसा है, आजकल के जमाना में अंधा के साथ साथ लंगड़ा भी प्यार होते जा रहा है, प्यार लंगड़ा भी हो। हाँ, तो उसपे ये जो अभी आप गुनगुनाए इससे पहले, वो चीज उसपे सूट करता है। अच्छा। प्यार के साथ साथ अंधा बनिए, लंगड़ा मत बनिए। मेरा कहने का मतलब, प्यार करिए, बेशक प्यार करिए, अगर प्यार हो रहा है आपको किसी से, प्यार करना गलत चीज नहीं है, प्यार बेशक करिए। प्यार हुआ था कहाँ? रुक, दरअसल देखिए बात ऐसा था कि हम तो ये आने से पहले ही मेरा जिंदगी, हम जब भी हमने होश संभाला तो इस सब चीज से हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, वीडियो बनाना, अरे लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ 10 आदमी हमें पहचाने, ये सब चीज एक चाहत सा मेरा बन गया था। तो हम YouTube लगभग 17 से चलाते हैं, YouTube 17 से कर रहे हैं, जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ का ऐसा कोई बांस बारी फुलवारी घर द्वार किन्हीं का ना हो जहाँ हमने वीडियो नहीं बनाया हो, और वहाँ के लोग ने हमें चाहे बुरे शब्द से, चाहे गाली से, चाहे पागल के, यानी अनेकों अनेक प्रकार के नाम, हाँ हर एक चीज, यहाँ वीडियो मत बनाओ, मेरा बेटा को बिगाड़ दिए हो, मेरा बाल बच्चा तुम्हारे कारण उनका भविष्य खराब हो रहा है, हाँ बाप पढ़ाया तुमको, पढ़ लिख के बेवकूफ हो गए हो, ना जाने ऐसे तरह तरह की बातें। और आज लोग वही लोग कहते हैं कि यहाँ इस जगह पे YouTube को पैदा करने वाला मिस्टर विकास बारूद है, वही आदमी। देखिये मूवमेंट कितना जल्दी आदमी का चेंज होता है, ये चीज हमने अपनी जिंदगी में देख लिया। तमाम जितने भी लोग YouTube पे आ रहे हैं, हम यही कहेंगे है, देखिए YouTube से ही प्यार भी करिए, आप प्यार करिए, गर्लफ्रेंड से भर के YouTube को प्यार करिए, अगर सफल ना हुए तब विकास बारूद का नाम बदल दीजिए, ये चीज हमारा कहना। एक इंटरव्यू आपका हम किए थे, उस टाइम में लगभग आपका 1-2 लाख सब्सक्राइबर, 3 लाख होगा शायद, नहीं नहीं 2.5 लाख लगभग था। तो उस टाइम में आप बोले थे कि YouTube से इतना कमाते हैं कि एक भैंस खरीद। हाँ, आज भी हमको तो याद भी थे। आज भी याद है, याद है। आज क्या क्या खरीद सकते हैं? देखिए आज तो YouTube ने हमको बहुत कुछ दिया है अभी के टाइम पे, और सबसे ज्यादा हमारा इसमें बात किया जाए तो देखिए YouTube का मेरा प्लानिंग था, ये YouTube को गाली देते थे, इनके फैमिली गाली देते थे, यहाँ तक कि रिश्ता हमारा ये YouTube के कारण, ये प्लेटफॉर्म के कारण हमारा रिश्ता तक कट हो गया था। अच्छा। कि ना लड़का वीडियो बनाता कैसे परिवार को खिलाएगा, कैसे पिलाएगा। हम जिंदगी में एक ही चीज मानते हैं, दुनिया में कोई भी काम
छोटा या बड़ा नहीं होता, आप करते तो जाइए, करते जाइए, देखते हैं सक्सेस कैसे नहीं मिलता, लेकिन उस ढंग से करना पड़ेगा। जब हम काम करते थे और इनसे लव सबका चक्कर था तो बोला गया कि चलो शादी कर लेते हैं, और उस टाइम हमको होता नहीं है कि एक सिंगल हो भी नहीं पा रहा था, तो सोचे एक जोड़ी हो जाए तो और मजा हो जाएगा, जिंदगी बिंदास कटेगा। ये लगा कि अकेले वीडियो बना रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अकेले कितना दिन वीडियो बनाए? लगभग 3.5 साल अकेले। 3.5 साल अकेले, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। रूप तारा जी आई, किस्मत बदल गया। रूप तारा जी के आने से पहले हम रोस्ट करना स्टार्ट कर दिए, सोचे चलो कहीं से भी, तो आप समझिए आप 2.5 साल 3 साल बिता चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप रोस्ट करते हैं। रोस्ट में थोड़ा सा लाइफ झलका, हमने यूट्यूब को देख लिया कि यूट्यूब है क्या चीज, तो तब से हमारा जिज्ञासा हो गया कि अगर हमारा जोरी हो जाता है ना, नागिन नाचे गली गली, नाग अकेले क्या कर सकता है ना, तो नागिन का तो जरूरत है, नाग नहीं नाचता है ना। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि नागिन तो मिल गई थी और नागिन से हमने बात रख दिया कि चलिए शादी ब्याह हो जाए। नागिन नहीं, नागिन मिली थी। हाँ, जब हम अपने आप को नाग कह रहे हैं तो इनको भी नागिन कहेंगे। मतलब नागिन किस दृष्टि से कह रहे हैं, मतलब एक होता है कि एकदम नागिन है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो दृष्टि से नहीं। देखिए एक चीज होता है, देखिए विशेला नागिन है ना, इतना देखिए काम के प्रति उतना विष है इनके अंदर। अच्छा। जब तक हम काम करते हैं अभी के टाइम पर उतना ये काम करती है, ऐसा नहीं है कि आज ये हो गया, कल मथा दर्द कर सर दर्द, आज चौमिन ला के दीजिए, कल लिट्टी ला के दीजिए, नहीं ला के दिए तो काम बंद, वो सब प्रक्रिया इसमें नहीं। ऐसा कभी होता है कि आज काम करने का मन नहीं, आज नहीं करेंगे, आप इधर सेटअप लगा चुके हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो आज तक ये कहती नहीं। अगर हम रेडी हैं, भले 4 ही वीडियो बनाएंगे लेकिन बनाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि नहीं 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 ये वीडियो नहीं हो पाएगा, ऐसा ये सब कंडीशन नहीं है। तो यहाँ हम थोड़ा सा ब्रेक, मतलब रास्ता भटक गए थे, तो हम यहाँ बात रखते हैं। तो फिर यूट्यूब के बारे में, इनके पापा जी आए तो देखिए हम लेने गए यहाँ से कार में। एक चीज बताइए, सबसे पहले आप दोनों मिले कहाँ थे, फर्स्ट वैसा टाइम बताइए, फर्स्ट लव। जिंदगी में, जिंदगी में पहली बार हम इससे मिले थे गांधी मैदान में, गांधी मैदान पटना। गांधी मैदान में मिले थे और मिलने के बाद बातचीत होने का तो सिलसिला था नहीं, क्योंकि इनके पास मोबाइल ही नहीं था। तो फिर हुआ क्या कि हम ही इनको एक मोबाइल दे दी। हाँ, इनका उस टाइम कितना, 17 वर्ष लगभग होगा, 17 साल। रूप तारा जी सही बात है। हाँ, रहते थे आप पटना? हम अपने दीदी के पास रहते थे पटना। अच्छा, दीदी पढ़ाई करते थे तो मतलब पढ़ाई करने आप गांधी मैदान से होके जाते थे? हाँ, जाते थे, भी जाते थे, कभी कभी घूमने आ जाते थे। तो वहाँ फिर नैन मटक्का हो गया। अरे नैन मटक्का हो गया तो हमको भी पसंद हो गया, हम भी सोचे कि शादी कर ले और इम्प्रेस करे खातिर। उस टाइम आप वीडियो बना? हाँ, उस टाइम हम रोस्टिंग करते थे और कमाते भी थे यूट्यूब से। तो हुआ क्या कि उस टाइम हम इनको इम्प्रेस करने के लिए इनका जूठा ठंडा जो था वो भी पी लिए थे हम। वहाँ ठंडा बिकता, वहाँ गए थे हम लोग कॉफी शॉप में। अच्छा। दो चार तो मेरा आलू झल्लू दोस्त वगैरह भी थे, जिगरी यार सब हैं, वो सब भी आए थे, और उसके साथ वो क्या कहते हैं उधर इनके साथ में भी दो चार आई थी। तो गए कॉफी शॉप में बैठे, बैठे बस, अकेले नहीं गए थे हम, चाय नाश्ता सब कुछ हुआ। जब होता ना माजा, वो जो आया तो हुआ क्या कि ये पी के थोड़ा सा रख दिया, अरे हम इम्प्रेस करने के लिए हम वो भी पी लिए, मतलब पी के रख दी तब आप पी लिए। हाँ। बोले कि पीजिए? नहीं नहीं, पी कैसे रख दी हमारे सामने, हम अपना वाला सट से पी के बस इनका भी लेके वाले, आप नहीं पीजिएगा तो हम, हाँ बस दिखाने के चक्कर में। ओ, इसका मतलब प्यार नहीं था, इरादा ये था कि हम इम्प्रेस हो, मेरा एक तरफा प्यार था ना जी का बात सुन, इसका मतलब प्यार नहीं था आपको, प्यार एक तरफा था, मतलब इनके तरफ से था, मेरे तरफ से उधर से अभी कुछ, उधर से कुछ है, फर्स्ट डे मिलन है, जिंदगी में पहली बार मिले हैं, इनको पता है कि नहीं कुछ नहीं बस, लेकिन हाँ क्या बस, उसके बाद हम सोचा प्रपोज कर देंगे, तब मैं जीठा पिए हैं, इधर इसको पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं है कि क्या है कैसे नहीं। फिर उसके बाद हुआ घर गई, जब 1 बजे रात को हम फोन किए, बड़ा डर डर के फोन, उसी दिन रात। अच्छा, ये जूठा पिए थे तो आप मतलब उस टाइम में आपके माइंड में क्या आया था कि हम जानबूझ के जूठा दे रहे हैं पीने के? नहीं नहीं, हम जानबूझ के नहीं रखे थे, हम बस थोड़ा सा पी के रख दिए थे, ये पी गए, मतलब थोड़ा सा पी लिए, गिलास रख देते हैं तो सब पी गए, दिखा के पी। फिर आपको क्या फील आया?
तो अब जान ही रहे हैं। नहीं जान रहे हैं, पब्लिक को बताइए हम जान रहे हैं। उसके बाद जूठा पिए तो सोचे कि अब ये जो मेरा जूठा पी रहे हैं आगे तो बैग भी धोएगा। नहीं आप तो ऐसा नहीं हो सकता है, भी सोच रहे होंगे कोई नहीं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, बैग नहीं धोते नहीं, गाड़ी हो गया है सामान तो गाड़ी में लदा जाता है सामान। जब बच्चा नहीं लेते हैं गोदी में जल्दी बाहर जाते हैं तो कहते हैं लड़की लाइन कैसे मारेगी। अच्छा अभी अभी जूठा पीते हैं कि नहीं? नहीं मतलब शादी की बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, चुनाव के बाद प्रचार सुने हैं? इलेक्शन के बाद कहाँ प्रचार होता है? चुनाव के बाद प्रचार मतलब चुनाव बस अब जब हम मेरी हो गई अभी मतलब चुनाव अब... एक चीज और आता है यहाँ सवाल, चुनाव जीत के काम नहीं करना है। नहीं 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 वो भी आता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चुनाव जीतने के बाद हमने काम किया लेकिन वो प्रचार नहीं किया, हमने प्रचार कभी भी नहीं किया। कभी करिएगा कि नहीं प्रचार? अब जूठा पी क्या अब क्या साबित करेंगे? अच्छा जो है आप ही उस टाइम जूठा खा के जो साबित करना था कर दिया। हाँ, हाँ। उनको भी जो लगा लग गया। मतलब आपको रूप तारा जी क्या लगा था कि मतलब ये जूठा पी रहा है तो प्यार जगा था उस टाइम? प्यार नहीं मतलब थोड़ा बहुत जगा था, मतलब लगा था कि जूठा मेरा क्यों पी लिया सवाल मन में आ गया, बहुत क्योंकि बहुत सारा लोग था तो यही क्यों पिए। अच्छा इससे पहले किसी का जूठा पिए थे? लड़की का? लड़की का तो पिलाने वाली बहुत थी लेकिन पिए नहीं, जो पिलाने वाली तो बहुत थी। हालांकि इंटरव्यू देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे हम ही तो नहीं है। के दिल में होगा वही ना बोले पिएगा कोई ठीक है क्या? नहीं नहीं पिए होंगे, आपको महसूस होता है कि कभी पिया होगा? अब क्या पता पिए ही होंगे, ऐसा थोड़े ना है। नहीं मतलब आप कंफर्म, मुस्कान से आप समझ जाइए कंफर्म तो आप भी नहीं है, आप भी तो अनुमान ही लगा रहे हैं। वही कर मेरा ही पिए थे सब, हम ही जानते हैं। मतलब इसी से लगा कि कहीं और भी पिया होगा मेरा पी सकता है कोई? ठीक है हमको जब आप पी करने के लिए पी सकते हैं तो क्या पता दूसरों पसंद होगी तो आप पिए होंगे। पिए होंगे याद नहीं है। अच्छा आपके रहते हुए ऐसा हुआ? नहीं मेरे रहते हुए तो नहीं हुआ। पहले का बात कर रहे हैं? हाँ पहले कुंवार में पता न का किए हैं। अच्छा, हमको एक सवाल है विकास जी आपसे, सही सही जवाब दीजिएगा 100% दिल पे हाथ रखिए, हाथ रखिए सही सही बताइए। ठीक 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 अभी तक में कितना गर्लफ्रेंड हुई है? देखिए जिंदगी में बीवी सामने है और सच्चाई। हाँ हम कुछ नहीं बोलेंगे बताइए। जिंदगी में एक प्यार होता है, एक होता है कि क्या कहते हैं दिल लगना। अच्छा है ना, ये लोग कहते हैं एक ही है लेकिन हम कहेंगे नहीं, एक हो जाता है दिल लगी। दिल लगी आपको जानवर से भी हो जाएगा। तो हम जानवर का बात नहीं कर रहे हैं, लड़की की बात हो रहा है बाबू। लड़की के बारे में बताइए। दो बच्चे की माँ हो, चार बच्चे की माँ हो, दस बच्चे की माँ हो, बताइए। स्कूल लाइफ में ऐसा हुआ करता था उस टाइम तो बचपना हट था अपने अंदर भी, बहुत छोटे थे। स्कूल लाइफ में ऐसे हुआ करता था कि हम उसी से शादी करेंगे, नहीं होता है हम उसी ऐसा होता था, लेकिन मतलब क्लोज फ्रेंड थे हम लोग, गर्लफ्रेंड के रूप में पहले हम रूप तारा को ही किए हैं सबसे पहले दिल पे हाथ रखे। अच्छा मतलब कौ लड़की से बतियाए क्या हो? हाँ। बताइए कितना से बतियाए? आपके जरिए देखिए एविडेंस इकट्ठा कर रही है ऐसा हो कि अच्छा आप ही बताए, हम आपको कुछ कभी बोलते हैं मतलब बताइए क्या पब्लिक में जानना चाहता है? दिल पे हाथ रखे हैं तो बताना तो सच्चाई ही होगा। बतियान देखिए एक बात करने का तो बहुतों से बात किया, अब यही नहीं बात करने का तरीका होता है। 5 गो 4 गो बात तो आजकल देखिए अभी के टाइम पे इतने सब्सक्राइबर हमारे चाहने वाले होते हैं, फोन आता है। सब्सक्राइबर की बात नहीं हो रहा है, मतलब एक लड़की होता है कि हम इससे बात करें आपसे बात की हो। ना ऐसा सिलसिला नहीं, ऐसा नहीं बतियाए हैं 10 गो से लेकिन ऐसे हुआ नहीं है। किसी से? अच्छा किसी से मिलने गए हैं? रात बिरात होता है आजकल तो, घटना भी हो रहा है रात में मिलने। बाप रे वही तो बोले हम, देखिए हम प्यार करते हैं अंधा, लग रहा वाला प्यार नहीं कि 10 बजे 12 बजे रात को जाइए फिर वहाँ आपका कत्ल हो जाए, फिर आपका घर परिवार अनाथ हो जाए, ई सब कर्म नहीं करते हैं बाबा। आने आना तो आओ नहीं जा सकती। आप तो अभी बोले थे कि 1 बजे रात में बात हो रहा था, 1 बजे बात में थी कि आइए रूम के पास। रूम ऊपरे नीचे नीचे रहते थे, हम ऊपर रहते थे। तब वो चीज नहीं था, 1 बजे पूरा डर के इनको हम एक बार फोन कर दिए, वो सोचे के उठाएगा, क्या पता इनकी दीदी उठा ले या जीजा उठा ले, हो सकता है। फिर भी डर के किए तो संजोग बस यही उठा ली और दिल की पूरी बात हम पटक दिए और फोन रख के स्विच ऑफ करके सुत गए। रिएक्शन कल देखना था कि उधर से
बेलना निकलता है कि हाँ कि गुलाब फूल निकलता, लेकिन सुबह में तो पता चला लाज से शर्मा के लजा के एकदम जाने मन तू खूब है तू खूब है हैं होने लगा। बस उसके बाद मेरा फोटो मांगना स्टार्ट हो गया। आप क्या किए थे रुपतारा जी सुबह में जब ये रात में आपको सारा चीज आपके सामने रख दिए? तो हम अपने दीदी को बता दिए। दीदी को बताने के लिए ये आपको बोले थे? नहीं ये नहीं बोले थे, क्योंकि हम अपने दीदी को इसलिए बता दिए क्योंकि देखिए हम जिससे बात करूँ उसे शादी करेंगे। तो हम अपने दीदी को बताया, दीदी मेरा भैया या सबको बता दी, सबको बता दी। सबको भी लगा? नहीं लगा। उसके बाद इनका फोटो मांगे लोग, सब कोई देखे तो अच्छा लगा। सब डायरेक्ट बता दी, बस खाली पापा को नहीं पता था। आप अपने पापा को छोड़ के सबको बता दिए तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ उसके बाद बात विचार करने लगे। फिर क्या होगा हुआ ऐसा कि दिल्ले जानता है। फिर गांधी मैदान में कितने बार दिल्ले जानता है दोस्तों क्या बताएं। उसके बाद होता ये उसके रूपतारा जी जान रही है कि हमको फिर कितना कष्ट हुआ ना। तो तब तो क्या बताएं, बहुत कष्ट हुआ जिंदगी में। उसके बाद ना हमको पढ़ने में मन लगता, नहीं खेलने में मन लगता, नहीं खाने में मन लगता है। जब आधा घंटा फोन नहीं आता तो समझ ये लगता था जैसे कि ऑक्सीजन ही खत्म हो गया। लोग कहते हैं ना कि बाप रे बाप, सही बात। कभी कभी सोचते हैं प्यार ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन जब शिद्दत से प्यार हो जाए तो ऑक्सीजन का काम करता खत्म होता। तो उधर से खत्म हो रहा था। अरे उधर से कोई खा पी के मोटा गई थी एकदम हनुमान गियर एकदम। अच्छा। अभी तो एकदम सुख साग गई है, एकदम हनुमान भक्त बन गई थी एकदम मोटा के खा पी के। इधर हम पियऊ दूबर भैला हो, का कहें फलनी के चक्कर में। दोबारा फिर कब मिले? फिर उसके बाद क्या होता है क्या कहा, एक महीना बाद होता है हम घर आते हैं। घर आने के बाद इनका मन बदलने लगता है। फिर मन बदलने के बाद क्या होता है, बात विचार कम होने लगता है। इनके पापा को होता है कि नहीं नहीं चलिए देख के आते हैं। फिर यहाँ 11-12 बजे रात को फोन आता है पटना से इनके यहाँ से हमको कि हाँ कल हम गाड़ी पकड़ लेंगे, लोकेशन बताइए। अच्छा। फिर हम अपने ससुर जी को, अभी ससुर जी हैं उस टाइम नहीं थे, उस टाइम इनके पापा थे। अच्छा। तो इनके पापा को हम बोले आइए, इनके भाई भी थे उगर आए सब। यहाँ 5 बजे उतरे चौक पे, हम कार से गए लेने। ससुर जी आ रहे हैं। कहाँ गए थे? हाँ चौक पे। आप अपने चौक? हाँ अपने चौक पे। जब चौक से उठा के लाए से आ रहा था। नहीं 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 हमको देखने आ रहे थे सर। अच्छा। आए यहाँ आने के बाद उस टाइम क्या था कि नया जमाना चला था, लाल कलर करवाने का, बाल लाल लाल कराने का था जमाना। हम लाल लाल करवाए थे। जब वो हमको देखे कहते क्या, अरे तो लौंडा है। अच्छा। और हमसे पूछ लिए कि क्या करते हैं, बोले यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं। तो भाई तो लौंडा है। अच्छा। का बाल बच्चा के हमारे खिलाएगा पिलाएगा, कैसे पाल पोषण करेगा, हम अपने बेटी का रिश्ता करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे करना स्टार्ट कर दिया। फिर वहां जाके सब देख लिए। होता ना हर एक जिंदगी में हर एक इंसान का एक दोस्त कमीना होता है। कुछ कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं कि दिल के करीब रहते, कोई कोई दोस्त ऐसे भी हैं कि दिल से बाहर रहते हैं। वो हमेशा हमारा बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही करते हैं अभी भी। कुछ कुछ है क्या रे बा, विकास यहाँ विकास वहाँ, कुछ कुछ दिल के करीब। अच्छा। ऐसे दोस्त थे वो, क्यों कहते अरे विकास के पास तो कोई दिक्कत नहीं, ये वो फलना चिल्ला, कहाँ बेटी का रिश्ता करने जा रहे आप लोग, क्या लड़का का यूट्यूब में वीडियो बनाता है, नाचने जाता है बैंड बजा में, जबकि आज तक जिंदगी में हम कभी नहीं गए नाचने। तो फिर उसके बाद कार से लेके आए ससुर जी को, सोचे ठंड वंड लग गया होगा, एकदम आग वाग लगा दिए, ठंडी का मौसम था। और ससुर जी को सुला उला दिए। कल सवेरे दूध को बड़ा बड़ा खसी रखे थे। अच्छा। एकदम ससुर जी के खुशी में कटवा दिए, ससुर जी ने इनके पापा जी थे। तो आप ससुर जी हैं ना जी? आप ससुर जी उस टाइम नहीं, ससुर जी कहिए, उस दिन के इनके पापा जी, इनके भाई साहब। हाँ हमारा कौन, कभी ऐसा माइंड में आया है कि मतलब आया है नहीं आया था कि ये लोग हमारा दुश्मन है? ऐसा हो गया था कि दुश्मन का दुश्मन पूरा, इनका पिता इनका भाई कितने माँ नहीं, हम बता रहे हैं सुनिए। अच्छा। बात ऐसा हुआ कि फिर यहाँ से हमको रिजेक्ट करके चले गए ये सब। अच्छा। उसके बाद ये भी हमको आप छोड़िए कोई बात नहीं, यूट्यूब छोड़ दीजिए तब हम शादी करेंगे, ये हमको सजेशन दे रही थी। यूट्यूब में क्या रखा हुआ है, ये वो फलना है, वीडियो बनाते हैं उसी से पेट भर जाएगा। आप ही बताइए, एक मजदूर बाप, एक मजदूर बेटा, एक मजदूर भाई से जाके पूछिए
300 रुपया में तीन भर भर दिन काम करते हैं, लेकिन इसमें हम अच्छा खासा अर्निंग कर रहे थे उस टाइम, फिर भी ये हमको यहाँ तक की समझिए, उसके बाद रिश्ता हमारा इनका मतलब दूरियां होने लगी धीरे धीरे। उस बीच में इनकी एक दीदी खरूस दीदी, पूजा नाम है, खरूस दीदी, हाँ इनकी बड़ी दीदी एकदम खरूस चिड़चिड़ापन, हमरा से जल मतलब इतना जलती है हमसे, वो इतना जलती है उस टाइम सोच रही थी हमसे तो हमसे एकरो से जलती है, हमसे क्या जलती है, हाँ तभी तो शादी नहीं करा, अभी ना जलती थी, अभी तो ये देखिए शादी ब्याह हो गया था, रुकता रुकता क्या गुस्सा उतारेगी एकदम खरूस, वीडियो देख रहे होंगे हमारे हर एक इतना खरूस थी कि कहती है कि रिश्ते नहीं होगा, रिश्ता नहीं होगा, सब मान गए, क्या मन कर रहा था, दीदी ब्याह करवा दीजिए, ब्याह करवा दीजिए, ना विकास जी माफ कर दीजिए, पापा को आप पसंद नहीं है, सब खेल एक रे, शतरंज का खेल ये खेल रही है, आपको पता था, अरे अहम भूमिका था उसमें था इसका, हाँ खापी के मोटी हो गई, बस खाई पी मस्ती, इधर हमको सुइया दवाई के लगाए दे मायरे गाना सुना रितेश पांडे का, रितेश पांडे और नीलकमल सिंह का हम गाना मतलब ऑक्सीजन के रूप में हम ले रहे थे, ऐसा स्थिति हो गया था, फिर इनकी खरूस दीदी मतलब समय शादी में भी नहीं आई, कहाँ शादी में आई, उत्तर शुक्र है मेरी सास की है, वो हमारे लिए रोती थी, रूप तारा जी बताएंगे, बताइए रूप तारा क्या दीदी के बारे में बता, पहले तो मम्मी के बारे में बता दा, दीदी के बारे में कहते तो मिर्चाई नियर लगती है ना, आज दीदी बाप रे बाप एक हालत खराब कर लेती, हाँ बता दो बता मम्मी के बारे में क्या हुआ, दीदी क्या बोलती थी आपको, मेरा दीदी के बारे में कुछ नहीं बोला करिए हमको गुस्सा, अच्छा ठीक है ये नहीं बोलेंगे अब, लेकिन क्या बोलती थी दीदी, क्या कहती दीदी, कह दीदी ब्याह नहीं होगा और कहा, बात करते थे आप इससे, नहीं तब छोड़ दिए, छोड़ दिए कितना दिन कितना दिन छोड़ नहीं कहीं बतियाएंगे, मेरा दीदी बोली तो नहीं बतिया रहे थे, अरे देखिए बात ऐसा हो गया, मेरी मम्मी इनके लिए रोती थी, बात सही है, मेरा मम्मी को बहुत पसंद थे क्योंकि इनका नाम मेरा मेरा गाँव में सब रखा था मनमोहना, अच्छा हाँ, कभी फोन करके रोए हैं आपके पास, बहुत रोते थे, झूठ का बोलेंगे, आपको दया नहीं लगता था, लगता कहीं दया कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता दया, गरीब दुखिया जो इतने आदमी प्यार कर रहे हैं, दोस्तों कमेंट करिएगा अगर हम गलत कर रहे हैं, गरीब का प्यार कहीं प्यार नहीं है, खिलवाड़ है, कदर नहीं है उस प्यार का, एक हम भी गरीब का बाल बच्चा उसे नहीं कमाने वाला, हमको नहीं कोई जानने वाला, गरीब थे, नौकरी वाला से शादी लग रहा था, देख के सब मच मच कर लेते हैं, हुब्बा नौकरी वाला शादी हो ले, आपको क्या 22,000 सैलरी है, उसी में इनका खरूस दीदी जो है वही 22,000 में डगमगा रही थी, एकदम डगमगा रही थी, दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे, विनती करेंगे सभी से, और लड़कियां जितने भी बहन है हमारी है रिश्ता में जो भी लगी है, यो वीडियो देख रहा है, किसी से अगर सच्चा दिल से अगर प्यार भी हो जाए ना, गरीब हो चाहे अमीर हो उसका कदर किया करिए, ये चीज नहीं करती, नहीं बाप रे ये प्यार का कदर भगवान जाने दिल में क्या था, नहीं रोती थी कभी आपके पास, नहीं रोती थी, अभी भी क्या बता, अभी भी एक बात कोई कह दे या दूर कहीं जाने लगे तो बच्ची नहीं रोती है, ये चीज ठीक है, नहीं इनका भी इसमें कोई गलती नहीं था, उस टाइम तो 20-25 दिन ऐसा लगा कि आप रोते थे, ये हमको पानी चढ़ रहा है उधर ही मटन चाप रही है मटन, ऐसा स्थिति था क्योंकि इनके पास मनोबल बढ़ाने के लिए इनकी दीदी थी, है कि टेंशन मत ले, नौकरिया दुला मिली है तो खुश रहबू, झाड़ के चलबू है, ये सब बात डायलॉग सिखा सिखा के का कहिए भैया, दिल के दर्द अपने से सुनी, क्या थे उसको कहते, क्या थे उसको, हम ये बात कहते थे कि हम उससे ज्यादा कमाते हैं, अच्छा कितना कमाते थे, अरे महाराज जब 22,000 से ज्यादा कर रहे हैं तो अनुमान लगा सकते हैं, 22,000 वाला से तो शादी हो रहा था, 22,000 वही ना, हम इनको एहसास दिलाते थे उस टाइम भी, देखिए हम ये चीज कहते हैं जिनको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो चीज ठीक है, लेकिन देखिए नौकरी भी गलत चीज नहीं है, बेशक नौकरी भी सही है, लेकिन एक होता नहीं है इस पर प्यार आ रहा है बीच में, एक नौकरी के कारण किसी गरीब का दिल नहीं तोड़ सकते आप, अच्छा जैसे आपका दिल तोड़ रही थी, हाँ तोड़ रही थी इनके दीदी कहने पर, इसलिए हमने नाम रखा है खरूस दीदी, महा खरूस, तो दिल तो ये तोड़ रही थी, दिल का ये इनको बोले ना इनको मोटिवेट करने के लिए, 22,000 सैलरी है, 4,000 के लेक्मी के क्रीम ले ली है, सारी ले लेबे 2,000-4,000 के, केतनो खेबे रूप तराते 22,000 खातोर खर्चा ना हो ना हो, एकरा कौन चीज बा,
कुछ नहीं के लवंडा डांस करता वो प्रोग्राम मिली तो मिली नतर वैसे रही ये सब बात एक भाई सब ये बनी है देखो वो बयास हन हमको हाँ। उतना भोजपुरी नहीं होता बोले नहीं बता रहा ऐसा अंदाज में बयास हन क्या पता कहियो छोड़ के तोरा दूसरा से ना ब्याह कर ले छोड़ दे बहनों कर लफड़ा ये सब बात दोस्तों और हमको पानी आपको क्या लगता था रूपतारा जी नहीं बोलिएगा तो कैसे होगा जब हम खोल रहे हैं तो देखो आपको क्या लगता था उस टाइम में इससे शादी करना चाहिए छोड़ो इससे नहीं करना नहीं पहले गाली वाली देते थे तो हमको भी किसको गाली देते थे यूट्यूब में अच्छा रोस्ट में तो थोड़ा सा चलता ही है आपको क्या पता जी हम यूट्यूब पर आपको कुछ पता नहीं था पता रहेगा तब तो जानेंगे अभी तो आप यूट्यूब पर स्टार हैं अब ना है पहले हमको ज्ञान ही नहीं था वही जिस चीज का ज्ञान नहीं था जिस चीज से आपको गुस्सा आता था तब ना हम जाने जिस चीज को गरिया रही थी आज उसी चीज पर चल रही है उसी चीज पे चल रहा है अभी वही चीज इनको सब कुछ दिया है अभी आज यूट्यूब को क्या मानते हैं आप यूट्यूब तो हमारे लिए समझिए एक तरीका से वो भगवान ही है अच्छा तो लेकिन इतना चीज हो गया आप क्लियर नहीं बताए गर्लफ्रेंड कितनी थी गर्लफ्रेंड क्या हम बता रहे हैं बहुत थी आप ही बताइए ना बहुत थी कितना भी बता दो कितना थी आपको पता कब चला हमको बहुत दिन से पता दिखा दो कभी कुछ पकड़े हैं कभी कोई मोबाइल में फोटो बता दो कभी कोई आज बताएगी रूपतारा जी मेरा दिल पर बोले कुछ ना कुछ जो सच्चाई है दोस्तों हम आज तक कभी तोबा हम झूठ नहीं बोलते हैं हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं इनकी खरू दीदी नहीं आई थी तो नहीं आई थी जो बात है मेरे घर बारात नौकरी के पीछे पागल आप ही बारात लेके क्यों आए ये तो बोल रहे हैं ये तो बोल रहे हैं कि खा पी के आप मोटे हो गए थे तो फिर बारात तो आप लेके आए बारात तो आप लेके आ रहे थे बारात डर से तो प्यार तो तब आपको दिख रहा है आप में दिख रहा है वही देखिए सच्चाई यहाँ खुद दिख रहा है कि हम आपसे प्यार करते थे कि आपके घर बारात लेके आए अरे दोस्तों दरअसल अच्छा, बात ये हुआ ना सुनिए हम बताते हैं कैसे बोला है सुनिए एक सवाल और यहाँ पैदा होता है आधा दूर आप आइए आधा दूर हम आते मतलब किसी के दरवाजे पे लगा देंगे मतलब मंदिर है ये देखिए कितने तेज थे अपने इधर बगल में मंदिर वही बुलाए अच्छा वही बुला लिए ब्याह शादी हुआ आ गए घर पे तो आप बारात लेके आपको कैसे सूझा बारात तो ऑक्सीजन तो इसको नहीं मिल रहा था आपके बिना देखिए यहाँ पे इनको नहीं मिल रहा था हमको पता है लेकिन अच्छा एक सवाल यहाँ और बन रहा है तब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों का प्यार चला रिलेशनशिप हुआ फिर ये छोड़ के भाग गया आपको तो बाराती लेके पहुंच गए क्योंकि सवाल मन में ये भी उठेगा क्या बताओ छोड़ के भाग गए तो जबरदस्ती लड़की घर पहुंच जाती है कभी कभी मन में आ रहा होगा जितने लड़की बाराती लेके भाई क्यों आएगी तो देखिए होता नहीं है हम डायरेक्टली बोले जब नौकरी वाला के पीछे पागल है तब तो दीदी वगैरह और कोई नहीं इनकर दीदी इनकर भाई एगो है बड़का नौकरी के पीछे पागल 22,000 हम उससे ज्यादा करके आए और इनसे फिर वही मिले कौन पार्क था बताइए बुद्धा पार्क पर मिले और चैलेंज हमने उस चीज को ले लिया पटना जंक्शन हाँ हम चैलेंज ले लिए उस चीज को आज भी कहते हैं हमारे भी पूरा मतलब फैमिली में सभी नौकरी है ना अच्छा। लेकिन हमने चैलेंज लिया कि इसी चीज से कमाएंगे और उससे बेहतर बन के दिखाएंगे है ना और हमने किया और चैलेंज को स्वीकार करके 1.5 महीना के अंदर इनके पास जब हम आए मिलने के लिए तो एक्शन से कौन इनको खोल के अच्छा बोले देखिए कितना है देखो जब तुम हमसे 1 महीना 13 दिन हमसे तुम जुदा रही 1 महीना 13 दिन में हमने क्या किया और 1 महीना 13 दिन में हमको लगातार प्रत्येक 3 दिन 3 दिन पर पानी चढ़ता और रात रात भर जग के हम वीडियो बनाते रोस्टिंग अच्छा रूपतारा जी अभी आप बोल रही थी कि बता दें गर्लफ्रेंड के बारे में तो कौन सा चीज ऐसा पकड़े हैं आप मोबाइल में फोटो तो देखे हैं बहुत कथी में मोबाइल में चिट्ठी उठी भी पकड़े हैं बक्सा भर के है बक्सा भर के आप चिट्ठी दिए थे कभी नहीं हो मेरा नहीं दूसरा कहा सही बोल रहे हैं कि मजा नहीं खोलते हैं वैसे ही रखते हैं हम कभी चेक नहीं करते अभी भी है तो गुस्सा नहीं आता है कि जाके आग लगा नहीं देखिए वो भी मतलब होगा कोई इंसान नहीं होगा जिंदा आदमी कैसे जरा हम एक लड़की अच्छा तो उसको कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचारा रखे हैं बड़ा जतन से संभाल अच्छा
तो ऐसा तो नहीं कि पीठ पीछे मिलने भी जाते होंगे? नहीं अब नहीं, अब नहीं, पूरा विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास, एकदम पूरा। अच्छा बताइए, हो कहीं जाते तो नहीं? तुम सो जाती हो? ये भी नहीं खुल रहे है ना, नहीं, ये भी नहीं खुल रहे हैं, सोच रहे हैं कैमरा बंद होगा उसके बाद फिर क्या होगा पता नहीं। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं भाई, रात भी रात वाला काम हमसे ना नहीं होगा, लेकिन कांड तो हो रहा। मतलब शादी हुआ, वीडियो बनाना शुरू कर दिए और आज इस लेवल पे। इनकी मम्मी हमेशा रोती थी हमारे लिए, फिर उसके बाद हमने कहा, उस टाइम उनको दिखा दिया एडसेंस वगैरह, बोले ठीक है शादी करना हो करो, नहीं करना मत करो। आंखें हमारा भी भर आया था, ये भी मतलब एकदम इमोशनल हो चुकी थी। मिले उसके बाद बोले हम इतना रुपया कमाते हैं, तुमको अगर लगे, हम ये नहीं कहते कि तुम नौकरी सर्विस इधर उधर भी मत करो, वो भी किन्हीं का बेटा है ना, वो भी मेहनत करके वहाँ आया है, बेशक करो, तुम भी किसी की बेटी हो, स्वतंत्र भारत के तुम नागरिक हो, स्वतंत्र हो, ये बात बोले, एडसेंस दिखाए, वहां से निकले। फिर उसके बाद जो होता है ना, प्यार का बुखार जो चढ़ा, सासू माँ जो उधर से सवार हुई, अच्छा, माँ उधर से अलग रोए लगी, हमार सासू माँ इधर ही पागल हो गई, अच्छा, पगली तेरे प्यार में मैं तो पागल हो गई, ऐसे कुछ पागल हो के बेशक इतना मतलब बेझिझक ऐसा प्यार हुआ इनको कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ऐसा स्थिति हो गया इनको। अच्छा हाँ, तो अब हम कहते थे ठीक है शादी करना है तो आइए, यही हम इतना दूर बनात लेके कैसे जाएंगे, मतलब पहले हम इतना दूर बारात लेके जाएंगे, आप कौन आए? पहले आप तरस रहे थे, बाद में इसको तरसाना शुरू किए, कुछ बाद में हम सोचे थे कि बाद में नहीं हो पाएगा, बदला लिए, तब पटने से शादी कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है कि थोड़ा सा दिखाना पड़ता है ना, बोले आइए ना आप। उनके बाद उनके फैमिली वाले से बात हुआ, बोला लोकेशन दीजिए, सब कुछ हुआ, बोला सब कुछ देख लिया, फिर उसके बाद बोला पंडित जी से दिन निकालते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, तो यही मंदिर में हम यही दिन वगैरह निकाले, कार्ड वगैरह बटा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं 17 को हमारा शादी हो गया, हो गया। उसके बाद YouTube पर वीडियो बनाना शुरू, उसके बाद 24 दिन के बाद जो लड़की YouTube को गाली देती थी, जो लड़की YouTube के बारे में बुरा भला कहते, आज वही YouTube इनको तो जीरो से उठा के अभी इतना मतलब ऊपर तक पहुंचा दिए, ये पब्लिक जो देख रहे हैं इनका तो हम कितना शुक्र अदा करें दिल से, तहे दिल से, यहाँ से जीरो से उठा के आज यहाँ तक रख दिए हैं कि आज पूरा 60 लाख की फैमिली है, 60 लाख की, तो बस वो सब प्यार है। और उस दिन से एहसास हो गया इनको भी, इनकी खरोच दीदी जो है उनको भी, आज इनकी खरोच दीदी हमारा मेंटल फैन है, दुनिया में कोई फैन होगी तो इनकी खरोच दीदी अभी हमारे फैन होगी। पटना जाएंगे तो एक बार आइए घरे, रिश्तेदार इतना बड़ी फैन हो गई है कि अब इनकर दीदी हमसे, अब मतलब वो नहीं है कि वो ये फलना चिल्ला, अब उनको भी एहसास हो गया कि किसी के भी गरीब के बच्चा हो या कोई भी, अगर प्यार हो गया है शिद्दत से तो उनको कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, चाहे उनके पास कुछ हो या नहीं हो, जीवन साथी तो गोबर फेंक के भी भरण पोषण कर लेते हैं, ये चीज है। तो आप लोग सुन रहे थे लगातार, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, तो लास्ट सवाल यही रहेगा, पिछले बार भी सवाल पूछे थे तो इस बार भी बनता है पूछना, पिछले बार जब पूछे थे तो आप बोले थे एक भैंस खरीद सकते हैं, तो अब क्या खरीद सकते हैं? अभी तो आप क्या खरीदेंगे, देखिए 21-22 लाख का कार खरीदे हैं, 3 लाख का बुलेट खरीदे हैं, क्या कहते हैं पूरा सिस्टम 1.5 लाख का है, सब कुछ तो आईफोन रखते हैं, उसके बाद वीडियो शूट, अब वीडियो शूट होता है, अब क्या है, तब ये घर देख रहे हैं जहाँ हम लोग बैठे हैं, वो उन्हीं का देन है, सब कुछ तो वही है, बस बशर्ते इसमें ये है कि मेहनत जितना करिए उतना आप, ये चीज क्या है, कुछ भी आप हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हैं, बशर्ते मेहनत। अब ऐसे ऐसे यूट्यूबर है कि देखते हैं कि ओडी मर्सरीज में चढ़ते हैं, तो भी मेहनत का ही फल है। मिलना चाहते हैं लोग आपसे, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, और आज के समय में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भी यूट्यूबर बन जाएं, हम भी फेसबुक पे काम करें, उन लोगों के लिए क्या संदेश दीजिएगा लास्ट में? नहीं नहीं हम यही कहेंगे, पहले पढ़ लिख लीजिए, ठीक है ना, समय के मुताबिक, और इस चीज को या यूट्यूब को पार्ट टाइम लेके चलिए, हम हमेशा कहेंगे, अगर फुल टाइम ले लीजिएगा तो कहता ना नाव, दो नाव पर सवार होना, कहीं भी लड़खड़ा के गिर जाइएगा, या तो आप एजुकेशन हार्ड कर लीजिए, इसमें भी एजुकेशन बहुत है, और अभी के टाइम पे ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जो और तक नहीं जानते हैं लेकिन यूट्यूबर हैं, देखिएगा टाइटल तक लिखने नहीं आते,
इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा नॉलेज अगर हो जाए ना तो सब कुछ यूट्यूब बहुत जल्दी आपको सक्सेस बना देंगे। लेकिन यूट्यूब को ऐसे पकड़ के मत आ जाइए कि हाँ इसी से हमारा सब कुछ होगा, गलत बात है ये। तो अभी तक आप लोग जिस वीडियो को देख रहे थे इसमें बहुत सारा स्टोरी आप लोगों को पता चला होगा, बहुत सारी बातें ऐसी है जो आज आप लोग शायद पहली बार सुने होंगे या हो सकता है पहले भी सुने होंगे। बाकी आप सभी ने इतना प्यार दिया वीडियो को, इन लोगों से मिलवाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट कीजिएगा वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा या कौन सा पॉइंट आपको मज़ेदार लगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।